शिवपुरी में कायाकल्प टीम का निरीक्षण। जिला अस्पताल में चाक चौबंद नजर आई व्यवस्थाएं। शिवपुरी जिला अस्पताल में शुक्रवार को कायाकल्प अभियान की टीम ने निरीक्षण किया। हालांकि टीम के निरीक्षण के एक दिन पहले से ही जिला अस्पताल में विशेष साफ सफाई की गई। वहीं मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई गई, वहीं वार्डो में डस्टबिन भी रखे गए, जबकि आम दिनों से सफाई व्यवस्था लचर रहती है। टीम में शामिल सदस्यों ने स्टाफ नर्सों से मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं और कायाकल्प के विषय में जानकारी ली। इस दौरान टीम ने अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। टीम में शामिल डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि प्रदेश स्तर पर जिले के अस्पतालों पर पहुंचकर टीम की ओर से साफ सफाई, ऑफिस मेंटेनेंस सहित विभिन्न 8 प्रकार के मापदंडों का निरीक्षण किया गया। क्या कमियां हैं और क्या अच्छाई हैं, इन सभी को देखा जाता है। इस दौरान टीम के सदस्यों ने चिकित्सालय की साफ सफाई, संक्रमण से बचाव और रखरखाव की स्थिति को देखा और इसे और अधिक बेहतर बनाए जाने के निर्देश दिए। टीम द्वारा चिकित्सालय के कायाकल्प अवार्ड योजना से संबंधित समस्त दस्तावेजों की जाँच की गई। उन्होंने बताया कि टीम साफ सफाई व रखरखाव के आधार पर अस्पताल की ग्रेडिंग पर इसकी रिपोर्टिंग सरकार को सौंपेंगे। सर, आज आपने निरीक्षण किया जिला अस्पताल का, क्या कमी पाई गई है इसमें? सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हम किस चीज के लिए आए थे। ये कायाकल्प असेसमेंट है, कायाकल्प एक अभियान है जिसके तहत कुछ चीजों को लेकर एक चेकलिस्ट बनाई है और उसी हिसाब से काम करने पर उसका मैंने ऑलरेडी काम तो हो ही रहा था और उस चेकलिस्ट के अनुसार से काम होने लगे जिससे अच्छा की तुलना पे और अच्छा हो जाए, ठीक है। और सबसे मुख्य बात कमियों की है, आपसे ज़्यादा अच्छा असेसमेंट कोई नहीं कर सकता रियली। आप लोग पब्लिक के बीच में भी हैं, हम लोगों के बीच में भी हैं, तो आप लोगों से अच्छा कोई असेसमेंट नहीं होता। जहाँ तक इन चीज़ों की है कि पेशेंट्स खुश रहे, पेशेंट्स को जो चीज़ें इस लेवल पे जो है वो चीज़ें मिलनी चाहिए, मुख्य है, तो वो उससे अच्छा आप कोई नहीं जानते। हम लोग तो एक चेकलिस्ट के हिसाब से ये पॉइंट्स यहाँ पर हैं या नहीं है, ऑब्जर्वेशन करके अपने मरीजों से कुछ चीज़ें पूछ करके जो उसके अंतर्गत है और अपने स्टाफ से कुछ पूछ के उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन है कि नहीं, चेकलिस्ट के अनुसार से काम करते हैं। कमियाँ ऐसी कोई भी नहीं रहती हैं, उनके अनुसार काम हुआ है या नहीं हुआ है तो उसको और इम्प्रूव कर ले। रहा बात ये असेसमेंट का, तो ये चीज़ें, ये पूरी रिपोर्ट हम भोपाल को भेजते हैं, वहाँ से वो लोग निर्णय करते हैं कि ये किस स्तर पे है और क्या क्या चीज़ें इस पर और करनी है। सर, जिला अस्पताल पहले नंबर एक पर आधारित था, जो किताब जीत चुका था, उसके बाद ये इतने पीछे पहुँच गया है, नंबर एक पर आना तो अब बहुत मुश्किल है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, नंबर एक ये तो एक कॉम्पिटिशन्स हैं, कई बार कुछ लोग उतना नहीं प्रूव किए रहते और हम इम्प्रूव कर गए, फिर और लोग हैं वो उससे भी ये तो वही हैं, दूसरे लोग उससे भी ज़्यादा इम्प्रूव कर गए जो पहले नहीं थे, तो निश्चित ही वो नंबर वन में आ जाएंगे। परंतु ये नहीं है कि हम में कमी आ गई, हम अच्छे हैं पर हम और अच्छा नहीं अभी कर पाए, हम और अच्छा करेंगे। तो ये तो एक कॉम्पिटिशन है, कमियां नहीं है, ठीक। थैंक यू।